यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जंगे जीत में सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। जी हां, सभी प्रत्याशी लगातार नामांकन भरने के लिए पहुंच रहे हैं और सभी पार्टियों ने मैदान में अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। उमेद सिंह रेडो इनेलो के उम्मीदवार ने नामांकन भरा है, बाकी पार्टियों के उम्मीदवार भी आज नामांकन भरेंगे। जीते जंग की हम बात कर रहे हैं, लगातार मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी भी नामांकन के लिए पहुंचे हैं और बीजेपी के कई बड़े नेता भी उनके साथ हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला भी नामांकन के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके साथ वहां पर मौजूद हैं और जीते जंग बेहद दिलचस्प होती जा रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ हैं। तो बाकी पार्टियों के उम्मीदवार भी लगातार नामांकन भरने के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता बीजेपी उम्मीदवार के साथ पहुंचे हैं, जो कि कृष्ण मिड्डा हैं, सुभाष बराला उनके साथ मौजूद हैं, शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा मौजूद हैं। उसके अलावा जींद उपचुनाव के हम लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। नामांकन भरने के लिए सभी पार्टियों के उम्मीदवार वहां पर पहुंच रहे हैं और कई बड़े नेता भी उसी पार्टी के उनके साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की बात की जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला के साथ हैं और सभी पार्टियों ने अपने योद्धा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। उसके बाद अब नामांकन भरने की आज आखिरी तारीख है, तो सभी उम्मीदवार नामांकन भरने के लिए पहुंच रहे हैं और पूरे दलबल के साथ वहां पर पहुंचा जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी भी नामांकन भरने के लिए बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ पहुंच रहे हैं और कांग्रेस की बात की जाए, रणदीप सुरजेवाला वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे तमाम बड़े नेताओं के साथ पहुंच रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी की बात की जाए तो सुभाष बराला, रामविलास शर्मा इन तमाम बड़े नेताओं के साथ पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ जींद से अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर को लेकर। अनिल मोर, मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है, सभी पार्टियों ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, ऐसे में नामांकन भरने के लिए जो आ रहे हैं पार्टी के उम्मीदवार, कितने दलबल के साथ कितना शक्ति प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला मिनी सचिवालय पहुंच चुके और एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक ही गाड़ी में सवार होकर आए। कुलदीप बिश्नोई साहब गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और ऐसी तस्वीरें कांग्रेस में कम ही देखने को मिलती है जब तमाम बड़े नेता एक साथ मौजूद है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब यहाँ मौजूद है, कुमारी शैलजा जी मौजूद है, बिश्नोई साहब मौजूद है, आफ्ताब अहमद, सब बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है। अब मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, बीबी बत्रा जी यहाँ पे मौजूद है, हुड्डा साहब से जानते हैं। सर, कांग्रेस की अगर बात करें, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव में जा रही है? कांग्रेस जो ये सरकार, मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, इसकी विफलताएं जो हर वर्ग इस विमुख हो चुका है। आज किसान परेशान है, बर्बादी के कगार पे खड़ा है और कर्जे में डूबा जा रहा है, और व्यापारी तो अपना मुनाफा तो उसका दूर, अपनी पूंजी खा रहा है, कभी GST कभी नोटबंदी, गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। जैसे 100-100 गज के हम प्लॉट देते थे, 4 साल इस सरकार को हो गए, 4.5 साल जाने का टाइम हो गया, एक प्लॉट नहीं दिया और कोई विकास का काम नहीं किया। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं। कांग्रेस की जीत यहाँ पे रहेगी, काफी हद तक आपके ऊपर भी दारोमदार है, 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे, तो क्या लगता है कितना आसान मुकाबला, कितना मुश्किल मुकाबला कांग्रेस करेगा और मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस का उम्मीदवार हमारा बहुत सशक्त उम्मीदवार है, वरिष्ठ नेता है, हमारी पार्टी का बहुत अच्छी वोटों से जीते हैं और इसमें जो है ना, इस सरकार की विफलताएं और जो कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां थी उसको देखकर लोग जो है कांग्रेस की ओर बिल्कुल उमड़ रहे हैं और अच्छी हमारी जीत होगी, इसमें कोई दो शक नहीं। हुड्डा साहब जीत का दावा करें, कुमारी शैलजा जी मौजूद है। मैम, मैं अगर आपसे जानना चाहूं, आपको क्या लगता है कांग्रेस एकजुट रहेगी, कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी मजबूती से? आप देख लीजिए, एकजुट है कांग्रेस और बिल्कुल सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और रणदीप जी को भी सबने मिलकर, राहुल जी ने उसको
पूरे हमारे एक फैसला लिया है सबका मिलजुल कर, तो सब मिलकर चुनाव लड़े। जी तक अभी कांग्रेस का गढ़ होता था, लेकिन पिछले 10 सालों की अगर बात करें सीट आप लोगों के हाथ से चलेगी, अब क्या लगता है कोई वापसी होगी जींद से? आपने पीछे की तो जो राजनीति रही आपने देखा, जो जिस तरह से मोदी आए तो देश की राजनीति बदली एक ओर से, लेकिन लोगों ने इनकी असलियत को पहचान लिया है। अब चाहे मोदी जी हों, चाहे हरियाणा में बीजेपी की सरकार खट्टर सरकार हो, जो भी हो, सबकी असलियत देख ली और अब लोग वापस कांग्रेस को चाह रहे हैं। अगर जींद की बात करें बिश्नोई साहब, जींद हिसार लोकसभा के हिस्सा होता था, अब हिसार से चुनाव लड़े हैं, अगर देखा जाए तो क्या लगता है अब की बार जींद की जनता का क्या मूड हो सकता है? देखिए जींद का जनता का रुख जो है पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ है, वो इस बाय इलेक्शन नतीजे में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जींद की जनता जितने मैंने रिपोर्ट ली जब से ये बाय इलेक्शन का ऐलान हुआ तो जनता का मन है कांग्रेस की तरफ जबरदस्त। लगता है चुनाव एक बार फिर जाट नॉन जाट का चुनाव होगा, क्योंकि बीजेपी के ऊपर बारे में कहा जाता है कि नॉन जाट की राजनीति बीजेपी करती है और आपको भी नॉन जाट का एक बड़ा नेता मानते हैं? देखिए मैं कांग्रेस पार्टी कभी जात पात की राजनीति नहीं करती और ना बीजेपी तो करती है और मैं भी कभी नहीं करता। नॉन जाट अगर मुझे नेता मानते तो मेरे फख्र की बात है, लेकिन मैंने कभी जात पात की राजनीति नहीं की और ना ये इलेक्शन कोई जात पात का है, ये इलेक्शन सरकार के भेदभाव के खिलाफ न्याय का इलेक्शन है। देखिए पहले तस्वीर देखिए, वो सारा का सारा दारोमदार इन नेताओं पे, अगर कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ते हैं तो निसंदेह दूसरे दलों के लिए राह इतनी आसान नहीं है। हुड्डा साहब के पास एक बार फिर जाना चाहूँगा। हुड्डा साहब, बीजेपी के अगर 4.5 साल के कार्यकाल की बात करें, 4.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, क्या लगता है वो कार्यकाल कितना लोगों को संतुष्ट कर पाए वो कार्यकाल? देखो जो बीजेपी की सरकार है ये नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट आता है इनको, कोई भी एक भी वर्ग इससे संतुष्ट नहीं है और 154 इसने वायदे किए थे एक भी पूरा नहीं किया। अब लोग इंतजार में हैं कब उनको मौका मिले और इसको बाहर करें। बिल्कुल, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से तमाम बड़े नेता यहाँ पे मौजूद है, यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो जींद की सीट है कांग्रेस जीतेगी। अब देखना होगा कि रणदीप सुरजेवाला के लिए लड़ाई कितनी आसान रहती है, बांगर की ये धरती है और कहीं ना कहीं बांगर की अगर धरती की अगर बात करें, आप देखिए दूसरी तस्वीरें आप देखते रहिए, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद है। ये तस्वीरें आपने देखी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, कुलदीप बिश्नोई यहाँ मौजूद है। दूसरी तस्वीर, दूसरी तरफ अगर देखा जाए दूसरी तरफ भी कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ अगर बात करें दूसरी तरफ कैप्टन अजय यादव वहाँ पर खड़े हैं, सीएलपी लीडर किरण चौधरी भी वहां पे खड़ी है। अब देखना ही होगा कि जो कांग्रेस के नेता फिलहाल यहां इतने एकजुट है, कितनी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं और कितना आसान ये चुनाव कांग्रेस के लिए रहता है।